अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। वक़द क़ाल अल्लाह तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल मुमिनूना इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाहा लअल्लकुम तुरहमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम। قال تبارك وتعالى في عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على آل محمد وعلى آل محمد। حاضرین اکرام و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ। عزیزو जैसा कि आप सब जानते हैं अर्ज़ मुक़द्दस जिसको आजकल फ़लस्तीन कहा जा रहा है उस सरज़मीन पर बसने वाले हमारे मुसलमान भाई हैं किन हालात से गुज़र रहे हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए प्रिंट मीडिया के ज़रिए और मुख्तलिफ़ और ज़राए अबलाग से वहाँ की जो कुछ भी खबरें हमको मौसूल हो रही हैं इससे अंदाज़ा हो रहा है कि किस दर्जे उन पर जुल्म हो रहा है, कैसे उनका खून बहाया जा रहा है, कैसे उनके माल को और जानों को तल्फ किया जा रहा है। सब हालात आपके सामने हैं और इससे भी दुख और दर्द वाली बात जो ज़्यादा है वो ये है कि जो कौम मुस्लिम की बेहिसी है सब चीज़ों को देखते हुए। हम तो खैर बहुत दूर के बसने वाले मुसलमान हैं, सिवाय इसके काफ़ी अफसोस मलें और दुआ करें कुछ हमसे तो बन नहीं पड़ेगा। लेकिन वो लोग जो कुछ कर सकते हैं, इख्तिदार में हैं, हुक्मरान हैं, उन लोगों की बेहिसी और जो गफलत है वो बड़ी अफसोसनाक है। और रोज़ बरोज़ अख़ुवत इस्लामी यानी इस्लामी भाईचारे का जो मामला तबाह व बर्बाद हो रहा है ये दिल को आने वाला और परेशान करने वाला मामला है। इस्लामी वहदत या मुसलमानों का आपस का इत्तेहाद जिसको अख़ुवत इस्लामी और हमारी ज़ुबान में इस्लामी भाईचारा कहा जाता है, इसकी हमारे दिन में बड़ी अहमियत है। हैसियत एक कौम के तारीख़ में मुसलमानों ने जो कारनामे अंजाम दिए हैं अब वो सिर्फ तारीख़ ही में रह गए हैं। दौर हाजिर में मुसलमानों में जो इख्तिलाफ़ात, जो दूरियाँ या जो झगड़े और लड़ाइयाँ आपस में उनकी हैं, ये क़ुव्वत इस्लामी के ताल्लुक़ को बारह कर रही हैं। अगर कोई मुसलमान अपने दिल में अपने मुसलमान भाई के लिए कोई दिली जज्बात नहीं रखता या बिल्कुल बेताल्लुक़ है तो वो समझ लो कि एक ज़िंदा लाश है वो मुसलमान। हमारा दीन सिर्फ़ चंद इबादत, चंद जो है रसूमात अदा कर लेने का नाम नहीं है, बल्कि हमारा जो दीन है वो आपस का मुसलमानों का ताल्लुक़ भी हमको बताता है। और इसी से हमारे दीन की शान और दम व खम बाकी रहेगा अगर हम इसको जो है क़ायम रखेंगे। इसको क़ुव्वत इस्लामी, इस्लामी भाईचारे को, और ऐन दीनदारी है ये। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नमाज रोज़ा ही दीनदारी है, बल्कि इस्लामी भाईचारा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर जो कोई भी हमारा कलमा को भाई है उसके साथ हमारा ताल्लुक़ क़ल्बी, ताल्लुक़ ईमानी और ताल्लुक़ अख़ुव्वत इस्लामी ऐन दीन है। सरकार पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसलमानों के आपस के ताल्लुक़ को एक मिसाल के ज़रिए फरमाया। जैसे एक जिस्म होता है तो जिस्म का कोई एक अज़ू अगर तकलीफ़ में मुब्तला होता है तो सारा जिस्म उससे मुतासर होता है। सारे मुसलमान चाहे वो कहीं भी बसते हो, मशरिक़ में, मग़रिब में, शुमाल में, जुनूब में, अरब में, अजम में, वो हमारे भाई हैं और उनकी तकलीफ़ हमारी तकलीफ़, उनकी परेशानी हमारी परेशानी। तो मुख्तसर अज़ीज़ो, दर्स हदीस पाक में आज हम इसी उख़्वत इस्लामी के जो तकाज़े हैं, इस्लामी भाईचारे के जो तकाज़े हैं, जो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने के इरशाद पाक में बयान फरमा है, वो हदीस पाक आपके सामने पढ़ेंगे, फिर इंशाअल्लाह उसकी तशरीह करेंगे। पहले आप अरबी मतन हदीस पाक का समाअत करें, इंशाअल्लाह उसके बाद तर्जुमा और तशरीह होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिमि ला यज़लिमुहु वला यख़ज़ुलुहु वला यहक़िरुहु वला यहक़िरुहु अत्तक़वा हाहुना वयुशीरु इला सद्रिही सलासा मर्रातिन बिहस्बि इम्रि'िन मिनश्शर्रि अन यहक़िर लहु अख़ाहुल मुस्लिम। कुल्लुल मुस्लिमि अलल मुस्लिमि हरामुन दमुहु व मालुहु व इर्ज़ुहु। रवाहु मुस्लिम। यानी मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, और मुस्लिम शरीफ हदीस पाक की मोतबर तरीन जो कुतुब है उसमें दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर बुखारी शरीफ है, उसमें यह हदीस पाक है जिसका तर्जमा है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, वो ना उस पर जुल्म करे, ना उसको ज़लील होने दे, ना उसको हक़ीर समझे। तक़वा यहाँ है, और ये अपने सीने अक़दस की तरफ इशारा फरमाते हुए 3 बार फरमाया। इंसान के लिए ये शर काफ़ी है कि वो अपने भाई को हक़ीर जाने। मुसलमान की मुसलमान पर हर चीज़ हराम है, उसका खून, माल और उसकी आबरू। तो इस हदीस पाक में उख़्वत इस्लामी की ताक़ीद, इस्लामी भाईचारे की ताक़ीद और उसके तकाज़े क्या हैं वो बयान किए गए। इस्लामी भाईचारे की बड़ी अहमियत है, मुसलमानों का आपस का इत्तेहाद व इत्तेफाक न सिर्फ ख़ुद उनको अमन व चैन नसीब करेगा बल्कि इस्लाम को सरबुलंदी अता करेगा। आज हमारे आपस का इख्तिलाफ, आपस के दुश्मनियाँ, आपस की नफ़रतें और दीन की बुनियाद पर तो है ही कि कई किस्म के इख्तिलाफ हैं मुसलमानों में, मसलकी हर ज़माने में रहे हैं। इसके अलावा दुनियावी अपने मफादात की खातिर भी जो हमारा इख्तिलाफ है, इसके बावजूद कि मुसलमान मुसलमान आपस में भाई होने के रिश्ते के साथ साथ हमारी कई खून रिश्तेदारियाँ भी हम देखते हैं कि नाइतफाक़ी का शिकार है। कई मौक़ों पर भाई भाई का दुश्मन है, और ससुराली रिश्तों में सास बहू के अख्तिलाफ़ात, देवरानी जेठानी के अख्तिलाफ़ात, ननंद भावज के अख्तिलाफ़ात, पड़ोसियों के अख्तिलाफ़ात, कारोबार में तिजारती अपने एक पेशा करने वालों के अख्तिलाफ़ात, दफ्तरों में मुसलमान जो काम करते हैं कई एक दूसरे के साथ उनकी रस्साकशी है, नीचा दिखाना, जलील करना, साजिशें करना, ये सब मामूल बन चुका है। और असल इसकी बुनियादी जो वजह है इस्लामी भाईचारे के पारा होने की या उसमें खलल या ख़राबी पैदा होने की, वो है हुब्बे दुनिया। जब कोई इंसान दुनिया को अपना मकसद आयन बना लेता है, दुनिया की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाता है, तो ऐसी मोहब्बत उसके दीन को बर्बाद कर देती है। एक बुनियादी हमारा अक़ीदा है, वो है आखिरत। यानी हर एक इंसान को मरना है और मरने के बाद दोबारा उठकर अपने परवरदिगार के सामने उसको हाजिर होना है, ये हमारा अक़ीदा है बुनियादी। और अगर हम ऐसा नहीं मानते तो हम मुसलमान नहीं हैं। तो आप देखें कि आज मुसलमानों में जो है ये अक़ीदे के अंदर बड़ी ख़राबी पैदा हो गई। कोई ज़ुबान से तो इनकार नहीं करता इस बात से कि मैं मरने के बाद उठूँगा, अल्लाह के सामने हाज़िर होऊंगा, अपने आमाल का जवाब दूँगा, लेकिन उसके आमाल ऐसे नहीं बताते, उसके हरकत इसको इस अक़ीदे पे कायम नहीं बताते। क्योंकि अगर कोई इस बात का खौफ रखता है कि उसे एक दिन उठ के अल्लाह को जवाब देना है, तो वो क्या इस तरह की ज़िंदगी गुजारेगा जैसी हम गुजार रहे हैं। तो हुब्बे दुनिया सबसे बड़ा फ़साद है। और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, तुम पर लोग ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे भूखे दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं। तो सहाबा अर्ज़ किए, या रसूलल्लाह, क्या उस वक्त हमारी तादाद कम हो जाएगी? हुज़ूर फरमाया, नहीं, तुम्हारी तादाद कम नहीं होगी, तुम कमज़ोर पड़ जाओगे, तुम्हारा वज़न ख़त्म हो जाएगा। और तुम समंदर के झाग के माने हो जाओगे। यानी मकदार तो बहुत रहती समंदर के झाग की, मगर उसका कोई वज़न नहीं रहता, कोई हैसियत नहीं रहती उसकी। तो साहब अर्ज़ के या रसूलल्लाह, इसकी क्या वजह होगी कि हमारी तादाद भी ज़्यादा होगी, इसके बावजूद हमारा यह हशर होगा? तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम में वहन की बीमारी पैदा हो जाएगी। तो साहबा अर्ज़ के या रसूलल्लाह, ये वहन की बीमारी क्या है? तो हुज़ूर फरमाया, बुज़दिली और मौत से तुम डरोगे, मरना पसंद नहीं करोगे, और दुनिया की मोहब्बत। वहन की तारीफ हुज़ूर ने फरमाई, बुज़दिली पैदा होगी। वहन ढीले पड़ जाने को, तो ढीले क्यों पड़ेंगे? हुज़ूर फरमाए, दुनिया से मोहब्बत करोगे और मौत को बुरा जानोगे, मरना पसंद नहीं करोगे। तो आज आप देख लें, बिल्कुल सरकार पाक अलैहिस्सलाम की ये बात हम पर सादिक आती है कि हम दुनिया के बंदे हैं, हर काम में देखते हैं इससे दुनिया का क्या फ़ायदा है, मैं इनको मिला तो मेरे को क्या फ़ायदा है, नहीं मिला तो क्या फ़ायदा है, दिया तो क्या फ़ायदा है, लिया तो क्या फ़ायदा है, खाया तो क्या फ़ायदा है। सब दुनिया के तराजू में तोल रहे हैं, जबकि मोमिन हर चीज़ को आखिरत के तराजू में तोलता ना भाई। यानी मैं ये करा तो इससे अल्लाह ताला राज़ी है या नाराज़ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश है या नाराज़ है, आखिरत तो ख़राब नहीं हो जाएगी, ऐसा तोलता मुसलमान। तो मुसलमान के बाद आखिरत का तराजू होना चाहिए, जबकि आज ताल्लुक़ात में, रिश्तेदारियों में, यहाँ तक कि मैं देखता हूँ कि जो मजहबी ताल्लुक़ात है उलमा से, मशाइख से, मुर्शिदीन से, वो भी दुनिया की गर्ज हुई। आदमी अपने दुनियावी अगराज तर्क नहीं कर सकता, हम इनकार नहीं कर रहे हैं इससे, एक दूसरे के अगराज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन आयन मकसद किसी से ताल्लुक़ात का ये नहीं होना चाहिए। उलमा से ताल्लुक़ात कई फतवे ले जाते, ज़मीनों के, जायदादों के, झगड़ों के, कभी शरई मसाइल सीखने जाते उलमा से, कभी आखिरत संवारने की बातें सुनने के वास्ते जाते, मशाइखों को नहीं कहते कभी जाते, ये दुआ पढ़े तो वो काम बन जाना, ये तावीज़ ये तो वो हो जाना, कारोबार चल जाना, शादी हो जाना, दुश्मन मर जाना, बहू जो है का मुँह काला हो जाना, यही छः मुसलमानों में आज क्या है। तो ऐसे ही मुसलमान से मुसलमान का ताल्लुक़ अल्लाह वास्ते रहना है, हुब्बल लिल्लाह बुग़्ज़ुल लिल्लाह, अल्लाह के लिए मोहब्बत, अल्लाह के लिए दुश्मनी है। ऐसी अब मुख्तलिफ़ पेशों से वाबस्ता लोग हैं, मुख्तलिफ़ नस्बों से वाबस्ता हैं, ख़ानदानी ताल्लुक़, बैकग्राउंड अलग अलग है। आप देखो हमारे आपस में जो ताल्लुक़ात है कारोबारी लोगों के, एक ही बिज़नेस से समझो, तो अपने पड़ोसी मुसलमान जो कारोबारी अपना भाई है उससे जो ताल्लुक़ है अपना मुखालिफ समझ के रखते लोगों से, मेरा कॉम्पिटिटर है, बाजू है ना, मेरा खा रहा है इन्हें, मेरा जो धंधा होना है इन्हें खा जा रहा। ऐसे ही आपस में रिश्तेदारियों में, आम तौर पर मुसलमानों में अल्लाह वास्ते ताल्लुक़ात नहीं, तो जबकि होना चाहिए अल्लाह वास्ते ताल्लुक़। इस्लामी भाईचारा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहा, हमारा मुसलमान भाई है, हमारे सगे भाई की तरह है, उसकी तकलीफ़ हमारी तकलीफ, उसकी परेशानी हमारी परेशानी, उसकी मुसीबत हमारी मुसीबत, उसका दुख दर्द हमारा दुख दर्द। उतना ज़्यादा एहसास नहीं हुआ तो कम से कम अपनी तरफ से कोई अजियत, तकलीफ़ और परेशानी तो नहीं पहुँचाना उसको, हमारी ज़ात से उसको कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाना। लेकिन जितना नुकसान मुसलमान को पहुँचा रहा है, गैर मुस्लिम को भी ज़रूरत नहीं कुछ भी करने की। बोला तो खाली शो देख रहे हैं बैठ के मुसलमानों को और मज़े ले रहे हैं, उनको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, सारा इंतज़ाम ख़ुद मुसलमान एक दूसरे के लिए करके रखे हैं आपस में। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, ये वही टुकड़ा हदीस पाक का जो बचपन में बच्चों को याद दिलाया जाता, लेकिन आजकल ये छोटे छोटे हदीस के टुकड़े भी याद नहीं है लोगों को। तो क्यों याद दिलाया जाता था? बचपन ही से इसको जहन में बिठा देना कि मुसलमान मुसलमान का ताल्लुक़ क्या है, भाईचारा है उनमें आपस में, दीनी भाईचारा। तो अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम सरकार फरमाए, और इरशाद हो रहा है वो ना उस पर जुल्म करे। जब मुसलमान मुसलमान का भाई है तो अपने भाई पर अगर मोहब्बत है तो कोई जुल्म कर सकता जी। लेकिन आज देखें आप कितना जुल्म का मामला है मुसलमानों के महलों में, दादा किस्म के जो लोग रहते कैसे सताते कमज़ोर मुसलमानों को, ज़मीनात जो है एक ज़मीन चार आदमी को बेच देते, चारों मुसलमान, लेकिन चार से भी पैसे लेता। और कई महलों में ऐसा है कि प्लाटों पे जब कोई बनाने करने गए तो मुंडे आके ठहर जाते, जबकि उन्हें पैसे दे के ख़रीदा है, इन्हें आके बोलता तुम्हारा नहीं है प्लाट, ये बनाना है तो या तो पैसे दो या हमको बेच दो, आधी कीमत में ख़रीद ले, फिर दूसरे को डबल कीमत में बेच दो। सब कुछ मुसलमानों के महल्ले में हो रहा, अगर आपको नहीं मालूम है तो बहुत बड़ी गफलत में मुब्तला है। रोज़ का मामूल है मुसलमानों के महलों में दादागिरियाँ, मुर्दा किस्म के जो लोग हैं, और भी जो कुछ होता है बहुत लंबी दास्तान है। लेकिन सरकार फरमा रहे हैं ला यज़लिमुह, कि वो उस पर जुल्म नहीं करेगा, वला यखदुल, और ना उसको जलील होने दे। यानी ख़ुद तो जुल्म करना दूर की बात है, अगर कोई जुल्म कर रहा है, जलील कर रहा है, मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। अब अपन ख़ुद जलील करने के आदी हो गए तो दूसरों को करता हुआ देखे तो क्या फ़र्क पड़ता। घरों में जो है एक दूसरे को जलील नहीं कर लेते, औरतें लड़ लेके एक दूसरे के गीबता करके, एक दूसरे को तोहमता बांध के, रिश्तेदारी भी है फिर मुसलमान भी है, डबल डबल ताल्लुक़ है ना। इसके बावजूद ये हाल है कि छोटी छोटी बातों के ऊपर ऐसे दिलों में कीने, ऐसे बुरासां, ऐसे एक दूसरे को जलील करने की हरकतें, प्लानिंगां, साजिशां, कोशिशां, ये सब लगे हुए। जबकि क्या तकाजा है उखुवत इस्लामी का, सरकार फरमाए ना जुल्म करेगा ना जलील होने देगा। कोई जलील भी कर रहे हैं तो ख़ुद जो है उसको शामिल होकर उसके जुल्म को रोकेगा, जलील होने से बचाएगा उसको। और फरमाया ना उसको हकीर समझे, वला यहकीर, किसी मुसलमान को गरीब है, मजबूर है, मोहताज है, दर्जे में अपने से कम है, इल्म में अपने से कम है। हकीर जानना गुरूर और तकब्बुर है, और जो गुरूर और तकब्बुर करते अल्लाह ताला उनको जलील कर देते। तो तहकीर करना किसी मुसलमान की, उसको हकीर जानना बुरी बात है और हराम है ये, जैसा कि आगे आएगा। तो हुजूर फरमा रहे वाला या हकीर, उसको हकीर नहीं जानेगा। इसके बाद फरमाया अत-तक़वा हा हुना, तक़वा यहाँ होता है। फरमाया अपने सीने पाक की तरफ इशारा फरमाए, वो युशीरु इला सदरी, इशारा फरमाए अपने सीने पाक की तरफ। फरमाया तक़वा यहाँ होता है, यानी कोई आदमी बज़ाहिर तुमको गरीब लग रहा होगा, बज़ाहिर मुफलिस लग रहा होगा, हो सकता है सीने में उसके तक़वा और तुमको पता नहीं। अल्लाह के पास तक़वा की वजह से उसका बुलंद मकाम और तुमको अंदाज़ा नहीं, क्योंकि इंसान के मालदार हो जाने से, इंसान के जो है खूबसूरत हो जाने से, इंसान के दुनियावी एतबार से कोई और चीज़ के हामिल हो जाने से ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह के पास भी उसका कोई मर्तबा हो। दुनिया में कितने ऐसे होंगे जो बड़े बड़े ओहदों पर और बड़े बड़े दुनियावी एतबार से विखार मियार रखने वाले होंगे, लेकिन अल्लाह के पास चूंटियों से भी ज़्यादा गैबुज़रे और कमतर होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला के पास दुनियावी ये जो मियारात है इसकी कोई हैसियत नहीं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह ताला फरमा रहे तुम में इज़्ज़त वाला वो है जो तक़वा वाला है। तो फरमाया तक़वा यहाँ होता है। इससे और एक बात पता चली, ज़ाहरी सूरत, ज़ाहरी लिबास, ज़ाहरी गुफ्तगू, ये सब भी तक़वे से ताल्लुक़ नहीं रखता। तक़वा क्या है? पहले तक़वा अल्लाह का दिल में खौफ रखना, अल्लाह का डर रखना कि मुझे उसके सामने हाजिर होना है, तो फिर मैं उसकी नाफरमानी करके कैसे उसके सामने जाऊँ, क्या मुँह लेकर जाऊँ, कोई भी उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी ना करूँ, कोई भी उसके बात के ख़िलाफ़ ना जाऊँ। ये जो जज्बा है दिल में, वो बात चाहे छोटी हो या बड़ी, छोटी और बड़ी हमारे एतबार से है, लेकिन जो ज़ात पाक है वो बड़ी अजीम है, जिसकी खिलाफ वर्जी हम करते होते हैं। तो हुज़ूर ने फरमाया तक़वा यहाँ होता है, क़ल्ब में, दिल के अंदर होता है। और फरमाया 3 बार ये बात फरमाया। क्या फरमाया सरकार ने? अत-तक़वा हा हुना, अत-तक़वा हा हुना, अत-तक़वा हा हुना, कि देखो तक़वा यहाँ अंदर है, ज़ाहिरी चीज़ नहीं है, ज़ुबान से इसका ताल्लुक़ नहीं है, आज़ा से, अमल से इसका ताल्लुक़ नहीं, कैफियत है दिल में जो बंदे मोमिन के पाई जाती है। फिर फरमाया इंसान के लिए यह शर काफ़ी है कि वो अपने भाई को हक़ीर जाने, यानी कोई और ख़राबी बुराई उसमें हो ना हो, यही बुराई उसके लिए बहुत बड़ी है कि वो अपने भाई को, मुसलमान भाई को हकीर समझे, उसको अदना जाने, उसको घटिया तसव्वुर करे। अब चाहे आप इल्म रखते हों तो किसी जाहिल को हकीर समझें, या आप अगर बहुत इबादत करते हों तो किसी ऐसे शख्स को जो उतनी इबादत नहीं करता हकीर समझें, या आपके यहाँ दौलत है तो किसी गरीब को आप हकीर समझें, या आपके पास इख्तिदार है, कोई पोजीशन है, तो आप किसी ऐसे शख्स को जो अपने से नीचे के पोजीशन में है उसको हकीर समझे, कोई भी बात हो। लेकिन अगर किसी मुसलमान को हम इन बातों की बुनियाद पर हकीर जान रहे हैं तो यही शर हुजूर फरमाते हैं काफ़ी है, कोई और शर की ज़रूरत नहीं है कि उसके अंदर कोई और बुराई हो, कोई और ख़राबी हो, कोई और नक्स हो, कोई और ऐब हो। फिर फरमाया अल-मुस्लिमु कुल्लु मुस्लिम, हर मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हराम है। अला हरामिन, क्या क्या हराम है? दमुहु, उसका खून, वो मालुहु, और उसका माल, वो इर्जुहु, और उसकी आबरू। एक मुसलमान पर दूसरे मुसलमान का माल, उसकी जान और उसकी आबरू हराम। हराम किसे कहते हैं? सख्त मना करदा चीज़ को, जिसके करीब भी मुसलमान को पटकना नहीं है। जैसे कत्ल हराम, शिर्क हराम, जिना हराम, सूद हराम, चोरी हराम, ऐसे ही एक मुसलमान की जान लेना हराम, उसका खून बहाना हराम, ऐसे ही उसके माल को तलफ करना या माल खा जाना धोखा देकर बेईमानी से, जुल्म से हराम, और ऐसे उसकी आबरू हराम, यानी उसकी इज्जत उतारना। उसको कोई ऐसी बात कहना जिससे वो बेइज्जत हो जाए, या उसके बारे में कोई ऐसी बात लोगों में फैलाना जिससे उसकी इज्जत, उसके वक़ार, उसके पोजीशन में कमी हो, या फिर जो है उसकी गीबत करना, या उस पर कोई तोहमत बांधना, या उस पर कोई इल्ज़ाम लगाना, या उसको गाली देना, ये सब चीज़ें आबरू से मुतल्लिक़ है और इसकी बड़ी हमारे दीन में अहमियत है। सूरह नूर एक सूरह है, 19वें पारे में, आप लोग उठा कर पढ़ें, उसकी तफसीर पढ़ें, आपको पता चलेगा कि हमारे दीन ने बाज़ाब्ता अहकाम इस हवाले से जो इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करते हैं नाजिल फरमाया। जान के बाद सबसे कीमती चीज़ क्या है? आबरू। कई मौक़ों पर तो आबरू की इतनी अहमियत होती है कि आदमी उस पर जान भी कुर्बान कर देता है अपनी इज़्ज़त बचाने, क्योंकि हमारे माशरे में आबरूएं पामाल होती हैं। आप देखें महलों में कई लोग रहते, अपने पड़ोसियों की, अपने और दिगर लोगों की जो महल्ले में रहते, बेइज्जतियाँ करते, उनको जलील करते, उनको रसुआ करते। और गीबत की आदत तो आम है हमें, अच्छे अच्छे मजहबी लोगों के अंदर ये आदत ऐसे जो है सरायत कर गई है रग और रेशे में कि उनको पता भी नहीं है कि वो जो कर रहे हैं गीबत, जबकि गीबत हराम है। और कुरान मजीद में इसकी हुर्मत बयान हुई और इस सख्त दर्जे से बयान हुई है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखी मैता, क्या तुम में का कोई ये पसंद करता है कि अपने भाई का, मुर्दार भाई का गोश्त खाए? अल्लाह ताला ने गीबत करने को अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाने से ताबीर फरमाया। तो इतना बदतरीन ये गुनाह है और उसमें क्या मर्द, क्या औरतें सब मुलविस हैं। घरों में क्या माहौल होता है, बैठे जो मौजूद नहीं है उसके बारे में क्या तस्करे होते हैं, हमारी महफिलें, मजलिसें, जो दावतें होती है उसमें बैठ के बातचीत करते तो क्या होता है, गीबतें होती हैं। एक दूसरे के बारे में बुरा तबसरा, बुरे ख्यालात, बदगुमान रहते हैं। पहले तो हर एक से बदगुमान क्यों रहते हैं? इस वास्ते कि हम अपने से खुशगुमान हैं, अपने बारे में हमारा गुमान ऐसा है कि हम बहुत अच्छे हैं, तो जब अपन अच्छे हैं तो दूसरा बुरा है, लाजमी बात है। जबकि पहले के लोगों का, नेक लोगों का तरीक़ा क्या था? वो अपने को कमतर, हकीर, अदना जानते थे और दूसरों को अपने से अच्छा जानते थे। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि वो एक मरतबा तशरीफ़ ले जा रहे थे तो एक औरत मिली आपको रास्ते में, मिल के जो है कहने लगी कि ए सुफियान, आपकी दाढ़ी अच्छी है या भैंस की दुम अच्छी है? मुझे भैंस की जो दुम रहती उसमें भी बाला रहते ना, बिखरे हुए दाढ़ी के जैसे। तो हज़रत की दाढ़ी को कंपेयर करी, किससे? भैंस की दुम से। आपके मेरे जैसा आदमी कोई रहा तो कितना गुस्सा आता उसको, दाढ़ी को बोल रही, हालांकि दाढ़ी को बोल रही तो गुस्सा नहीं आता, दाढ़ी मेरी है मेरे को बोल रही बोल के रहता हो। तो हज़रत सुन के जो है रोने लगे और इरशाद फरमाया, क्या बात बोली अम्मा, क़यामत के दिन अगर सुफियान सौरी बख्शा गया तो उसकी दाढ़ी भैंस की दुम से अच्छी है, वरना भैंस की दुम ही अच्छी है। फरमाया अल्लाह, अब अंदाज़ा लगाओ ऐसा अपने आप को हकीर जानते। एक औरत एक बुज़ुर्ग को थे मालिक में दीनार थे गालिबन, कहने लगी, है रियाकार। रियाकार वो तो अपने दीन का दिखावा करने वाले, अपनी पारसाई बतलाने वाले, लोगों को अपने आप को मजहबी बताने वाले। तो ये सुन के हज़रत रोते हुए इरशाद फरमाए, 20 साल में मेरे को कोई पहचानी तो अम्मा तू पहचानी दे कोई। अल्लाह, यानी आवाम की आवाज़ को हक़ का पैगाम समझते थे लोग और अपनी इसलाह करते थे। और आज हमारा हाल ये है, हम अपने आप को सबसे अच्छा समझे, कोई इल्म के घुमड़ में, कोई ख़ानदान के घुमड़ में, कोई सूरत के घुमड़ में, कोई दौलत के घुमड़ में, कोई ताकत के घुमड़ में मुब्तला है और अपने आप को कुछ समझा हुआ है। जबकि आप देखो मिट्टी कैसे कैसों को खा गई, कौन कौन समाया हुआ है मिट्टी में, हज़रत आदम से लेकर आज तक कैसे कैसे नहीं होंगे जो दुनिया में हैं, जिनके चर्चे खाली किताबों में रह गए, तारीख़ में रह गए, लोगों की ज़ुबानों पर रह गए, आज उनका वजूद नहीं है। तो हक़ीर नहीं जानना कोई मुसलमान। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मरतबों में फ़र्क है, उस्ताद बुलंद है, शागिर्द उससे कम है, माँ बाप का मर्तबा बुलंद है, औलाद का कम है, मुर्शिद का बुलंद है, मुरीद का कम है, कोई उम्र में बड़ा है तो उसका मर्तबा बड़ा है, उम्र की बुजुर्गी और तजुर्बे की वजह से। और फिर जो कम उम्र है उसको चाहिए कि वो अपने बड़ों का एहतराम करे, ये बात अपनी जगह है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि माँ बाप अपने औलाद को हक़ीर जाने, मुर्शिद अपने मुरीद को हक़ीर जाने, उस्ताद अपने शागिर्द को हक़ीर जाने, या मुसलमान आपस में एक दूसरे पर जो है हक़ारत की निगाह इस ख्याल से डालें अपनी दौलत की वजह से, अपनी इज़्ज़त की वजह से, अपनी शोहरत की वजह से, अपने ताकत की वजह से, ये चीज़ बुरी है। तो क्या हराम है? जान लेना हराम है, यानी मारपीट नहीं कर सकते आप, ना किसी मुसलमान को उसका खून नहीं बहा सकते। आप देख लो क्या हो रहा है आजकल, मुसलमान का कैसा खून बहा रहा है। ऐसे ही माल नहीं खा सकते आप, धोखा देके माल तो एक दूसरे का खाए तो ज़िंदगी गुजरेंगे ना। तिजारत के ज़रिए खा सकते, मेहनत के ज़रिए खा सकते। आप मेहनत कर रहे हैं, पैसे देंगे उन्हें तो आपका काम चलेगा, ज़िंदगी गुजरेगी। तिजारत कर रहे हैं, चीज़ देंगे तो पैसे दे रहा है, ये तो खाते गुजरेगा। ये जायज़ ज़रिए, नाजायज़ ज़रिए से धोखा देकर, झूठ बोलकर, जुल्म करके, सता के किसी का माल खाना हराम सरकार पर। ऐसे ही आबरू हराम, गीबत नहीं कर सकते हम किसी की, बहतान नहीं बांध सकते किसी पर, किसी को गाली गलौज नहीं कर सकते, किसी को सब बात कह के दिल नहीं दुखा सकते, किसी को बेजा झिड़क नहीं सकते। कोई अगर हमारे पास आ रहा है ज़रूरतमंद, अल्लाह का शुक्र अदा करना कि अल्लाह हमको इस काबिल बनाया कि उन्हें हमारे पास अपनी ज़रूरत के लिए आ रहा। लोग क्या करते, बदतमीज़ी कर देते हैं, सब झिड़क देना, कर देना। बाज़ वक़्त क्या होता है, इसलाह के लिए इसकी इजाज़त है, लेकिन आदमी को इल्म होना चाहिए कि कब वो मौका है। मिजाज नहीं बना लेना, बाद में उनकी तबीयत रहती। दवाखानों में जाके देखो आप, कई मजहबी इदारों में जाके देखो, घरों में देखो, बाद में उनकी तबीयत रहती, वो झड़क तबीयत रहती। घर घुर आंखों पे चले जाना, बुरा भला बोल देना, झड़क देना। लोग भी तंग कर देते होंगे भाई, लेकिन हम कोशिश ये करना अपने अखलाक अच्छे रहें, बर्दाश्त करें। और कई लोग हैं उम्र के अच्छे खासे हिस्से में पहुँच जाते, बुजुर्ग ही बोलते उसको। 50-60 साल का जब आदमी हो जाता ना, बुजुर्ग हो जाता। ये और बात है कि नहीं मान रहे लोग आजकल, बुढ़े भी हो गए, अभी तो मैं जवान हूँ बोल के रह रहे हैं। खैर, अंदर से रहना जज्बा वैसा, मगर रियलिटी को नहीं भूलना। इंसान ये समझ के रखना 50-60 साल के बाद जाने के दिन आ गए तो तबीयत में मतानत, विखार, सब्र, तहम्मुल, अफू व दरगुजर, माफ़ करना, बड़ा हो जाना दिल। वैसे फिज़िकली बड़ा ही हो जाता, मरने के करीब आए तो दिल बड़ा हो गया बोलते नहीं। तो दिल बेचारा जो है इतने साल बॉडी में रह के उन्हें फैल जा रहा, मगर अंदर से कैफियत नहीं फैल रही, कैसा होगा। तो वो सत्य कल्बी, एक दूसरे को बर्दाश्त करना, ये आदत अपने अंदर डालना, ये आला अखलाक। मुसलमानों के लिए तो बहुत जगह रहना दिल में। कोई मुसलमान दुख भरा है, हम दो बोल हमदर्दी के बोल के उसका दुख भी कम कर रहे हैं तो सवाब है। आप देखो हदीस में क्या आया, रास्ते से तकलीफदा चीज़ हटाना सदका है बोल के आया ना। किसी मुसलमान से मुस्कुरा के मिलना भी सदका है बोल के आया हदीस में। खाली मुस्कुरा के मिले तो उसका दुख कम आया था। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम इसके बावजूद के सीने अकदस में उम्मत का दुख रखते थे, लेकिन जब उनसे मिलते तो हमेशा मुतवस्सिम रहते थे। हुजूर मुस्कुराते रहते थे, हुजूर की मुस्तकिल सुन्नत है मुस्कुराना, तो हमेशा मुस्कुराते रहना। तो और भी बहुत सारे हुकूक़ हैं मुसलमानों के और भाईचारे के। इंशाअल्लाह हम उसकी तफसील भी आपके सामने किसी नशिस्त में बयान करेंगे कि एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर क्या क्या हुकूक़ हैं, कैसा उनको सलूक करना चाहिए। तो ये जो इस्लामी भाईचारा है अजीज़ों, इसकी बुनियाद कौन डाले, हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम डाले इस्लामी भाईचारे की बुनियाद। जब मक्के से मुसलमान हिजरत करके मदीना पहुँचे थे तो वहाँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के और मदीने के सहाबा में आपस में इस्लामी भाईचारा करवाए थे। उसको कहते हैं अक़्द मवाक़ात। अक़्द मवाक़ात के माने क्या है, भाईचारे का ताल्लुक़ कायम करना। तो ऐसा सहाबा इकराम इस पर अमल करके बताया रूए ज़मीन पर कोई नहीं कर सकता। जब सरकार पाक फरमा दी ये फ़लाँ महाजिर साहबी, फ़लाँ अंसारी साहबी का भाई, तो उनमें आपस में ऐसी मोहब्बतें हो गई थी कि ले जाके अपने घरों में रख लेते अपने भाई को। क्योंकि मक्के से जो आए थे बेसहारा थे, ना घर था, ना बार था, ना बीवी थी, ना बच्चे थे, ना कारोबार था। तो अपने घरों में रखे। बाद सहाबा तो ये किए जिनके यहाँ 2-2, 3-3 बीवियाँ थी, और उस ज़माने में आम बात थी और कोई बुरा नहीं समझा जाता था। आज भी इस्लाम में कोई ऐसी बात बुरी नहीं है, लेकिन हमारे लोगों के जहनों में बहुत बुरा सा गई इस हवाले से। यानी ये हुक्म शरीयत में कराहियत हो गई दिलों में। अफसोस की बात है, बोलो हुक्म शरीयत पे कराहियत अगर हो कोई तो मुसलमान का ईमान सलामत नहीं रहता। हुक्म शरीयत पर तस्लीम और रज़ा, गर्दन झुकाना, ये जो है सच्चे मुसलमान होने की अलामत है। तो हुआ ये कि भाईचारा ऐसा कायम हुआ, जिस सहाबी के यहाँ 2-2, 3-3 बीवियाँ थी तो वो कहने लगे अपने भाई से कि भाई अगर आप पसंद करते हो तो मैं अपनी एक-आध बीवी को तलाक दे देता हूँ, आप उससे अक़्द कर लो। अल्लाह अकबर, इससे बढ़ के कुछ हो सकता है जी, कोई अपनी बीवी किसी को दे दे। ऐसा इनमें भाईचारा, ऐसा इसार और क़ुरबानी का जज्बा, ऐसी आपस की मोहब्बतें। और हमारे पास आप देखो इस्लाम में 4 अरकान कलमे के अलावा है ना, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है। ये चारों क्या है, इबादत है। नमाज क्या है, इबादत है। रोज़ा इबादत है, ये दोनों जिस्मानी इबादत है, नमाज रोज़ा। ज़कात माली इबादत है। लोग समझते खाली नमाज पढ़ने इबादत है, ज़कात माली इबादत है, माल खर्च करने वाली इबादत है। और हज क्या है, माली और जिस्मानी दोनों इबादतों का मजमा है। यानी हज में पैसे भी खर्च होते हैं, जाके मेहनत भी करना है, अरकान अदा करना है। तो ये चारों इबादतों में आप देखिए इज्तिमाइयत है। इज्तिमायत बोल तो एक जा होना मुसलमान। नमाज है मर्दों के लिए 5 वक्ता नमाज है, बाजमात वाजिब है ना, जबकि इबादत नमाज ख़ास तौर पे ऐसी इबादत जो तकाजा करती है तन्हाई का। इंसान जो है आंख बंद करे, अल्लाह की तरफ रुजू हो जाए, सुभान रब्बियल आला दिल से बोले, सुभान रब्बिल अज़ीम बोले, ये समझे मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। मखलूक कहाँ से आ गई? कहीं भी नहीं। मगर ऐसी इबादत जो तकाजा कर रही है तन्हाई का, उसमें भी हुकूम है जमात से अदा करो, ताकि एक दूसरे से मुसलमान मिले, 5 वक्त जमा हो, तो इसमें इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा हो, ये उसकी हिकमत है। ज़कात है, अल्लाह के राह में खर्च करना है, ये तो सबको समझ में आ रहा है। खर्च किस पे कर रहे हैं? अल्लाह के बंदों पे। और ज़कात सिर्फ इंसान को दी जा सकती, मतलब कोई दूसरे मद में खर्च नहीं हो सकती। आप मस्जिद को तामीर के लिए ज़कात दिए तो अदा नहीं होती, आप मदरसा बनाओ बल्कि पैसे दिए तो ज़कात अदा नहीं होती, या और कोई काम जिसमें आप किसी इंसान को मालिक नहीं बना रहे माल का और वो माल खर्च कर दे रहे हैं, तो ज़कात अदा नहीं होती। एक बुनियादी मसला है ज़कात का। ज़कात का मत कौन है? इंसान, मतलब मुसलमान को इंसान नहीं चलो भी। तो इससे क्या पता चल रहा? मुसलमानों का फ़ायदा हो, आपस में उनमें मोहब्बत हो, अमीर आदमी गरीब आदमी का ख्याल करे, ये मकसूद है ना। ऐसे ही देखो, आप रोज़ा क्यों रख रहे हैं? रोज़े का दिन, तारीख़, वक्त, महीना सब मुकर्रर है। रमज़ान के अलावा रखे तो फर्ज़ अदा होता हर किस नहीं होता। क्यों? एक साथ पूरे रखने का हो, इसमें भी इज्तिमायत। एक साथ पूरे रोज़ा खोलने का टाइम मुकर्रर है, इज्तिमायत इसका। और हज है, हज तो क़ुव्वत इस्लामी का अजीम मुज़ाहरा है। काला गोरा, मशरक़ी मग़रिबी, शुमाली जुनूबी, कोई मुल्क का हो, कोई रंग का हो, कोई नस्ल का हो, वो एक ही वक्त में एक ही जगह एक ही तरह का यूनिफॉर्म पहन के जमा हो जाए, इज्तिमायत है इसके अंदर। तो आप गौर करो, इबादत जैसी इबादत में अल्लाह ताला मुसलमानों को जोड़ देने लायक, एकजा कर दे रहे, इतनी अहमियत हमारे दिन में है। और आज उसका जो इस्तेहसाल हो रहा है, उसको जो पामाल किया जा रहा, हमारे क़ुव्वत इस्लामी को बारह बारह किया जा रहा सब आपके सामने। तो अजीज़ों, हम क्या कर सकते हैं? तो हम क्या कर सकते हैं? इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में अगर मौका रहा तो एक मुसलमान के साथ मुसलमान को कैसा सुलूक रवा रखना चाहिए, क्या उसके हुकूक़ हैं अपने मुसलमान भाई के हुकूमत इस्लामी के तहत, कैसा हमको उनके साथ रहन सहन, और क्या काम नहीं करने चाहिए जिससे मुसलमानों के भाईचारे में नुकसान हो, तफसील बयान करेंगे। अल्लाह हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।